आज हम इस वीडियो में प्रोग्राम बनाने वाले हैं, कैसे हम किसी भी गिवन मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 इधर हो गया। जो कॉलम थी, जो हमारी रो थी, वो कॉलम्स बन गई, और जो कॉलम्स थे हमारे वो रोज बन गई। जैसे ये कॉलम था, सो इसमें ये रो बन गई है। सो इसे कैसे ट्रांसपोज कर सकते हैं? बेसिकली हमने जो रो थी कॉलम बन गई, कॉलम थी वो रो बन गए हैं। सो इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम? सो यहाँ पर चलते हैं हमारे VS कोड में, एंड यहाँ पर हम फाइल बना लेते हैं transport.java। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक एरे, टू डायमेंशनल एरे, जो उसे हम एरे मैट्रिक्स बोलेंगे, जो मैट्रिक्स बनानी है हमने। तो इसका नाम ट्रांसपोज ही मैंने इसका नाम रख दिया, और इसका नाम रख देते हैं सिंपल ए, एंड नाउ अब ये जो ए है हमारा, इसमें हम वैल्यूज कंटेन करता है, तभी उसे ट्रांसपोज कर सकते हैं। सो हम इसमें वैल्यूज प्रोवाइड कर देंगे 1 2 3, सेकेंड में 4 5 एंड 6, 7 8 एंड 9, इसमें हमने ये वैल्यूज दे दी हैं। सो अब हमें चाहिए दो वेरिएबल्स, सो रोज एंड कॉलम्स को डिनोट करेंगे। सो रो को हमने वैल्यू दे दी हमने ए डॉट लेंथ, दैट मीन्स इसकी लेंथ 3 है, सो 3 इसको मिल गई रो को। कॉलम को वैल्यू दे दी हमने ए 0 पोजीशन पे लेंथ, दैट मीन्स इस दोनों की वैल्यू है 3 3, क्योंकि हमने मैट्रिक्स भी 3x3 का बनाया हुआ है। नाउ अब हमें करना है ट्रांसपोज। तो यहाँ पर सिंपल हमें एक ट्रांसपोज करने के लिए, बेसिकली हम इसे एडिट कर सकते हैं, बट बाद में इसमें कई काफ़ी बड़ा लॉजिक हो जाएगा। सिंपल हम इसमें एक और वेरिएबल बना लेते हैं, वो एरे बना लेते हैं। ट्रांसपोज मैंने इस वेरिएबल का नाम दे, एरे का नाम दे दिया। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम दे देंगे, जैसे हम यहाँ पर देते थे, हमने रो कॉलम में बनानी है, कॉलम रोज में। सो यहाँ पर हम कॉल डाल देंगे एंड यहाँ पर रोज डाल देंगे। बेसिकली इससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ रहा, क्योंकि 3x3 का है, सो दोनों की वैल्यूज 3x3 ही है। सो अब यहाँ पर हम हमारा लॉजिक लगाएंगे। सो पहला लूप, फॉर लूप हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। पहला लूप हम चला लेंगे रोज के लिए और कॉलम्स के लिए, जैसा हम हमें सही लगे। सो सेकेंड लूप चला लेते हैं हम इसमें कॉलम्स के लिए, नाउ अब जो हमारा बेसिक मेन लॉजिक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये आई इज स्मॉलर देन रो है। तो हमारा जो मैजिक मेन लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो ट्रांसपोज है हमारा उसमें डालेंगे, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की आई एंड जे पोजीशन में हमने क्या डालना है, हमने ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करना है रो को कॉलम में बनाना है, कॉलम को रोज में। तो पहला जो लूप चल रहा है हमारा रोज के लिए चल रहा है, एंड सेकंड जो लूप चल रहा है कॉलम्स के लिए चल रहा है। कॉलम वाले बेसिकली ये जो चलते हैं हमारे, जैसे पहला चल रहा है रो के लिए, सो रो के एलिमेंट के लिए चल रहा है यहाँ पे, और कॉलम के एलिमेंट के लिए, दोनों के लिए। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो हमने उल्टा करना है, रो को कॉलम बनाना है, कॉलम को रोज। सो क्या करेंगे हम यहाँ पर ए, सो हम रोज के लिए आई लिखते थे, सो रोज के लिए हम यहाँ पर जे लिख देंगे। दैट मीन्स जो जे था हमारा कॉलम को डिनोट कर रहा है, सो रोज जे बन कॉलम बन गई है, एंड यहाँ पर आई लिख देंगे, कॉलम जे बन गया है। सो बेसिकली हमने इतना ही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करना था, एंड नाउ सो अब ये लूप खत्म होने वाला हो जाए। अब नाउ हम जो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ट्रांसपोज हुआ है नहीं हुआ कैसे चेक करेंगे हम, उसके लिए उसे प्रिंट कर लेंगे। सो हम दोबारा एक और लूप चलाते हैं, नाउ जे हमारा कॉलम के लिए। तो अब यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे हमारे ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, क्योंकि इसमें हमने वैल्यू डाली है ट्रांसपोज करके। तो ट्रांसपोज में हमने सॉरी हमें ये प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर लेंगे इसे आउट डॉट प्रिंट backslash t स्पेसिंग के लिए, एंड यहाँ पर ट्रांसपोज को हम प्रिंट कर लेंगे i एंड j एलिमेंट को, एंड यहाँ पर हम एक लाइन दे देंगे। जब भी उसके तीन एलिमेंट पूरे होंगे, यहाँ पर हमें एक लाइन नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना होगा कर्सर को, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलिमेंट यहाँ पर दे दिया। इसे करते कंपाइल एंड रन, तो यहाँ पे आ रहा है हमारा मैट्रिक्स। तो इसमें चेंजेस देखने के लिए, अभी यहाँ पे चेंजेस हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो हम इसे फटाफट से कॉपी एंड पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं
तो यहाँ पे मैसेज डाला ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ताकि हमें पता चल जाए। बाकी यहाँ पर हम एक और मैसेज डाल देते हैं, एंड यहाँ पर है ओरिजिनल मैट्रिक्स, एंड इसको कर दिया कॉपी पेस्ट। तो सिंपल जो हमने यहाँ पे किया था, एंड यहाँ पर जो वैल्यू है हमने यहाँ पर ए को करेंगे, हमारा जो पहला ए वाले को प्रिंट करेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स को, एंड यहाँ पर कर देते हैं इसे कंपाइल एंड रन अगेन। तो यहाँ पे आ गया हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स बनाया था जो हमने, वो था ये 4147। तो 147 यहाँ पर चला गया, इधर जो कॉलम था 1 2 3, कॉलम को रो को हमारी बनना था कॉलम, तो 1 2 3 कॉलम बन चुका है, एंड यहाँ पे ये जो रो है 4 5 6 4 5 6 कॉलम बन चुकी है यहाँ पे। सो हमारा मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो चुका सक्सेसफुली। सो जल्दी उसके लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।